डियर स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक सोसाइटी इससे पहले हमने uh, पिछले मॉड्यूल्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट uh, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं इसके जिसमें नेशनल बाउंड्रीज जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं uh, इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था फिर uh, मुख्तफ मतलब जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स थे वो हमने देखे लेकिन जो ज्योग्राफिक टेरिटरी का रोल है वो आज की मॉडर्न सोसाइटीज के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें हमें ये देखने की जरूरत है कि सोसाइटी को जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जियो बाउंड्री के हवाले से शायद नहीं देखा जा सकता जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल दूंगा कि हम जब पंजाबी सोसाइटी की बात करते हैं तो पंजाबी सोसाइटी से मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबी नहीं है उससे मुराद इंडियन पंजाबी भी हो सकते हैं क्योंकि आ, आ, वहाँ पे भी जो है वो पंजाबी कम्युनिटी मौजूद है आ, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज और एक पर्टिकुलर कल्चर की रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग हाँ उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ चीज़ों में वेरिएशन हो सकती हैं डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन बहुत सी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम उसको एक पंजाबी सोसाइटी के तौर पर रिफ्लेक्ट करते हैं इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है एशियन सोसाइटी है या हम जो है वो इंडियन सोसाइटी के तौर पे जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं या एक ए, एक होलिस्टिक टर्म के अंदर जो है वो देखने की कोशिश करते हैं तो वेस्टर्न सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चंद मामालिक को हम उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते कि अच्छा ये कुछ खास मुमालिक जो हैं या, या वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो कुछ ममालिक हैं बस वही वेस्टर्न सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें अमेरिकन कैनेडियन सोसाइटी जो है उसकी रिप, रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है तो एक होलिस्टिक कल्चरल रिफ्लेक्शन जो है आ, जो कि कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर होती है बियॉन्ड दोजियोग्राफिक बाउंड्रीज उसकी रिप्रेजेंटेशन या रिफ्लेक्शन आपको मिलती है ट्रडिश्नली uh, स्पीकिंग जो ट्रेडिशनल uh, सोसाइटीज थी वो रिलेटिवली सिंपल थी और के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इतने जदीद नहीं थे तो इसकी वजह से आइसोलेशन के अंदर थी डिस्पर्स थी तो कॉमन uh, जो करेक्टरिस्टिक होती थी उसमें जियोग्राफिक टेरिटरी जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी एक रदर uh, एक डिसाइसिव रोल प्ले करती थी uh, In that, in in such societies, since the the resources were very uh, scarce and uh, opportunities were very limited, so they were uh, more or less they were in uh, in the competition for those scarce resources. Whereas, uh, if we talk about the modern society, we have arrived at a uh, global society with the highly evolved degree of social differentiation and uh, inequality, uh, notably in the class, gender, race and ethnic uh, boundaries so based on these uh, various characteristics we uh, define society in a way uh, where geographic boundaries or nationally defined geographic boundaries play a very important role